डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ना वी विल डिस्कस के कौन से डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया के अंदर ऐसी चीज़ें थी विच वी नीड टू बी अंडरस्टैंड इन डिटेल सो द नंबर वन इज़ के जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है बेसिकली <coughs> जो प्रीवियसली क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिस एंड डिस्थाइमिया के नाम से टर्म्स मौजूद थी डी एस एम फोर के अंदर और डी एस फोर्टी आर के अंदर उनको रिप्लेस किया गया है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ ठीक है उसके बाद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो सर्टन टाइम चेंज हो सकता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ठीक है और ये भी हो सकता है कि जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की एपिसोड जो है वो प्रिवेल कर जाए मसलन एक Uh, बच्चा है जो कि आपके पास आया है इस कंप्लेंट के साथ कि सडनली एक्यूट फेज है डिप्रेशन का कि बच्चे को एकदम से क्राइंग uh, स्टार्ट हो गई है या सैडनेस स्टार्ट हो गई है या उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है या वो होपलेसनेस फील करना शुरू कर दिया या सुसाइडलिटी की हिस्ट्री आ रही है तो एकदम से वो बच्चा आपके पास आया है और उसके अंदर ये फीचर्स आ रहे हैं डेफिनेटली ट्रिगरिंग इवेंट्स होंगे डेफिनेटली कॉजेज होंगी उसके साथ क्या हुआ कि अब वो मेडिसिन लेना शुरू की उसने या उसने साइकोथेरेपी ली बच्चा बेहतर हुआ लेकिन वो जो चीज़ थी वो प्रिवेल करती चली गई वो प्रिवेल करती चली गई और उसका जो मेजर डिप्रेसिव का एपिसोड था वो तो ख़त्म हो गया लेकिन जो उसका अंडरलाइन डिप्रेशन था वो प्रिवेल करता चला गया अब वो प्रिवेल करता चला गया यहाँ तक कि वन ईयर का टाइम पीरियड पूरा हो गया अब इस तरह के एपिसोड को हम ये कहेंगे कि जो मेजर डिप्रेशन है वो सम टाइम लीड करता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ठीक है इसी तरह यह मुमकिन है कि एक बच्चा है उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो लो फील करता है उसको किसी चीज़ में अप्लायर फील नहीं होता वो बोडम फील करता है अपनी लाइफ में होपलेसनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी पुअर हो रही है और फिर ऐसा होता है कि कोई इवेंट ऐसा होता है जो ट्रिगरर बन जाता है और उसको मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ़ ले जाता है यानी एकदम से एक्यूट सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं तो इन बहुत केसेस जो हैं ये आपको क्लिनिक क्लिनिक्स में मिलेंगे इसी तरह इंडिविजुअल्स जो के शो कर रहे हों सिम्टम्स मेजर डिप्रेशन के भी और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के भी तो वहाँ पर हम डुअल डायग्नोसिस देते हैं ठीक है वहाँ पर हमने मेंशन करना होता है कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा कोई नहीं एक में एक साल से तो परसिस्टेंट ही आ रहा है ना तो मैं सिर्फ इसे परसिस्टेंट का दे दूँ नहीं ऐसा नहीं होगा यू नीड टू बी स्पेसिफाई वेदर uh, जो प्रॉब्लम है uh, उसके साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है देन uh, जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है दे ऑलवेज रिपोर्टेड अबाउट देयर मूड एज अ वेरी लो ठीक है उन वो हमेशा ये कहेंगे कि मुझे अपना मूड बहुत यानी आप यूँ समझ सकते हो कि जो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट होगी वो ऐसा ऐसी हो सकती है कि मैं अपना मुझे बहुत बुरा महसूस होता है मैं अच्छा महसूस नहीं करता मैं ज़्यादातर उदास रहता हूँ तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स uh, हैं वो वो बच्चा आपको रिफ्लेक्ट uh, करेगा आपने इसमें दो तीन चीज़ों की uh, ख्याल करना है वो ये है कि कल्चरली uh, जब आपके पास बच्चे आते हैं तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं लाइक like, वो पंजाबी भी बोल सकते हैं वो उर्दू भी बोल सकते हैं वो डेफिनेटली अगर बच्चा बाइलेंग्ल है तो वो इंग्लिश भी बोल सकता है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज़ के जो आपकी क्लिनिक्स uh, के अंदर या आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर बोली जाती हैं तो जो रिफ्लैक्शन ऑफ सिम्टम्स है जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स है दैट माइट बी स्लाइटली डिफरेंट इन रेफरेंस टू Uh, their cultural background. Thank you.